प्रणाम, मैं सत्या, आप देख रहे हैं सत्या परिचय। वेलकम टू सत्या परिचय। आज की खास खबर हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, हमारे एक्टर अजय कपूर जो ऋषि कपूर के भाई है, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल सुबह के 10 बजे उन्हें हार्ट अटैक आया और उन्हें हॉस्पिटल में इमरजेंसी में लिया के भर्ती कराया गया, पर ठीक 12 बजे उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगली खास खबर हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में हुई है, हमारे एक्टर अक्षय कुमार और उनकी वाइफ ट्विंकल खन्ना, उनकी बेटी जो है गिटार बजाती है और उन्हें गिटार बजाना काफ़ी अच्छा लगता है, जिसके चलते अपने माँ बाप के लिए उन्होंने अच्छे एकदम धूम ने गिटार बजाया है और उसे एक वीडियो क्लिपिक्स लेके उनकी वाइफ यानी ट्विंकल खन्ना जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल में उन्होंने शेयर किए इंस्टाग्राम में। उसे काफ़ी फैंस पसंद किए और ये कहने लगे कि माँ बाप की तरह बेटी भी काफ़ी अकलमंद है। अगली खास खबर हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, हमारे एक्टर्स कंगना राव जो चचेत क्वीन कहलाती है, वो अभी प्रॉब्लम में फंस चुकी है। ऑलरेडी उन पर काफ़ी केस दर्ज कर चुके हैं तरह तरह के राज्य में, तरह तरह डिस्ट्रिक्ट में। उन पर अभी फ़िलहाल एक और केस उन पर दर्ज हो गया है, वो ये है कि उन्होंने एक फार्मर्स को यानी खेडूत को उन्होंने टेररिस्ट कहा, जिसके चलते कर्नाटका में वहाँ के एक वकील ने उन पर केस फाइल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खास खबर हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में हुई है कि हमारे एक्ट्रेस अमृता सिंह जो सैफ अली खान की फर्स्ट वाइफ है, वो अभी अपना जन्मदिन मना रहे हैं, 63 इयर्स के हो चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, वो अभी 63 इयर्स के हो चुके हैं। और सिर्फ इतना नहीं, उनके दोनों बच्चे यानी सारा अली खान और उनके भाई दोनों अपने माँ के काफ़ी चाहते हैं। वो अपने पापा से ज़्यादा अपने मम्मी से ज़्यादा प्यार करते हैं और उन्हें अपना सब कुछ मानते हैं, जिसके चलते अमृता सिंह ने भी दूसरी शादी नहीं की और अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को पालने में, उनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने और तरक्की करने में उनके हर पल में उनका साथ दिया है। जी हाँ, अगली खास खबर हम बॉलीवुड इंडस्ट्री में हुई है कि हमारे एक्टर सोनू सूद जो लॉकडाउन में काफ़ी अच्छे लोगों की मदद किए, काफ़ी लोगों की मदद किए, एक मसीहा बने, और अब उन्हें एक और मामले में उनसे लोग उनसे मदद की गुहार कर रहे हैं। जी हाँ, वो ये है कि एक गांव में काफ़ी बंदर का काफ़ी हरकतें काफ़ी कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है, क्योंकि बाजू में जंगल होने के कारण जंगल से काफ़ी बंदर गांव में आ जाते हैं और गांव को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, उनके खेतों में और पेड़ पौधों में जितने भी फल लगते हैं वो सब खा जाते हैं, और जितने भी खान पकवान कुछ भी सुखाया जाता है धूप में और सब चुरा के खा जाते हैं, जिसके चलते काफ़ी गांव वाले काफ़ी खफा हो चुके हैं, जिसके चलते सोनू सूद से गुहार लगाएंगे। इसे देखकर और उसे सुनकर हमारे सोनू सूद हंस पड़े, अपने सोशल मीडिया हैंडल में शेयर किया और उन्हें कहा कि आप पता भेज दीजिए, उसके लिए भी मैं कुछ मदद कर देता हूँ। अगली खास खबर बॉलीवुड इंडस्ट्री में, एक्टर टेलीसीरियल एक्टर इजाज़ खान और पवित्रा दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वह अभी शादी करना चाहते हैं, जिसके चलते अपने परिवार से नजामंदी लेना चाहते हैं, परिवार को मनाने में लगे। दरअसल बिग बॉस 14 के दोनों कंटेस्टेंट हैं और कभी भी आप देखेंगे, अगर बिग बॉस अगर रेगुलरली देखते हैं तो बिग बॉस में आपको देखने को मिलेगा कि इसी तरह अलग अलग लोग आते हैं सिंगल की तरह और एकदम जाते हैं फैमिली की तरह चले जाते हैं, कि कोई ना कोई कपल से बन जाते हैं और आखिरी में जब बिग बॉस से बाहर निकालते हैं तो शादी कर लेते हैं। उसी तरह बिग बॉस का एक परंपरा बन चुका है, अभी उसी परंपरा को निभाते हुए अभी ये एक और कपल बनने वाले हैं, शादी करने वाले हैं, जिसके चलते अभी अपने परिवार को मनाने में लगे हैं। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मुझसे कोई भूल हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मेरी कोई भी गलती मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।